कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि अगर किसी ने कोई मकान बनवाया है या कोई मकान बनवाना चाह रहा है तो कर्ज लेना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी इतना अमाउंट नहीं हो पाता। किसी की पढ़ाई के लिए, अपने परिवार में अपने बच्चे की किसी की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडी के लिए या किसी को कोर्स करवाना है तो उसके लिए भी कर्ज लेना पड़ जाता है। कभी घर में कोई अचानक से बीमार हो जाता है या ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके लिए, उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो उधार के तौर पे, कर्ज के तौर पे लेना पड़ता है। दोस्तों, जानबूझ करके कोई अपने सिर पे कर्जा नहीं चढ़ाना चाहता, लेकिन ये स्थिति, परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि कर्ज लेने पर जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है, परेशान होकर ही कर्ज लेता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कर्ज से मुक्ति का उपाय। और ये उपाय दोस्तों बहुत अच्छा है। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कर्ज से मुक्त होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो हमारे जो इफ़ेक्टिव छोटे छोटे रेमेडी हैं वो आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो आपका या तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा, या कहीं पर अगर आपका कोई भी इनकम आपकी ऐसी नहीं आ रही है या फिर कोई परेशानी चल रही है तो या तो आपको कोई रोज़गार मिल जाएगा या फिर आपकी कोई एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू हो जाएगी। जिससे क्या होता है कि कभी कभी घर के खर्चे इतने होते हैं कि एक्स्ट्रा जो इनकम है, जो इनकम आ रही होती है, एक्स्ट्रा पैसा बच नहीं पाता जिससे कि कर्ज उतार पाएँ। तो या तो आपका कोई एक्स्ट्रा अर्निंग शुरू हो जाएगी या कहीं से कुछ ऐसा अवसर मिल जाएगा जिससे आपको पैसा मिल जाए, कोई जो अर्निंग जो है वो आपकी जो जारी रहेगी जिससे कि आप कर्ज जो है ना वो मुक्त हो पाएंगे बहुत जल्दी। तो दोस्तों, इस तरह के आपको अवसर भी मिल जाएंगे जिससे कि कर्ज निपट जाए। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि जब तक कि हमारे पास एक्स्ट्रा अर्निंग नहीं होगी तब तक कर्ज नहीं उतर सकता। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब आप इस उपाय को करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि उपाय को करने से कैसे कर्ज उतरेगा, क्योंकि मेरे पास तो ना रोज़गार है, ना कोई साधन है, ना हमारा पैसा बच पाता है बिल्कुल, तो मैं कैसे जो है वो उधार चुका पाऊँगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब आप उपाय को करते हैं ना, प्रभु की शरण में जा करके प्रार्थना के साथ आप बहुत परेशान होकर के जब उपाय करते हैं तब भगवान भी इतना दयालु है, कृपालु है कि आपकी कोई ऐसी व्यवस्था कर देता है, कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपका बना देगा या फिर आपको ऐसा अवसर मिल जाएगा जिससे कि आपको लगेगा कि हमारे पास बहुत अच्छा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, एक्स्ट्रा मनी आ रही है, इससे मैं बड़ी आसानी से कर्ज जो है वो उतार पाऊँगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर इंटेंशन होनी चाहिए, आपके अंदर बेईमानी वाली भावना नहीं होनी चाहिए। कोई आपको प्रेशर दे रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है तो भी आप सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा। आपका इंटेंशन, आपका इरादा, जिससे भी आपने पैसा लिया है उसको पैसा वापस लौटाने की भावना होनी चाहिए, तभी भगवान भी मदद करते हैं। दोस्तों, जिसका लिया है उसको वापस करने की भावना जरूर होनी चाहिए और इस भावना के साथ आपको उपाय करना है। दोस्तों, आपको करना क्या है? दोस्तों, आपको पुरुष सूक्त का पाठ करना है। आपको रोज पुरुष सूक्त का पाठ करना है। हनुमान जी का एक चित्र ले लीजिएगा, उनके सामने सरसों का, तिल का तेल का या घी का, जैसे भी आपकी श्रद्धा हो, क्षमता हो, वैसे आप एक शाम के समय आप तेल का जो है वो दीपक जलाइए। दीपक जलाने के साथ ही आप पुरुष सूक्त का पाठ कीजिए। अगर आप पूरा पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप रोज़ एक एक पेज या दो पेज, जितना भी आप पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, उसके आगे अगले दिन से फिर से वहीं से शुरू कर दीजिए। तो आप रोज़ करेंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे, आपको श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी उपाय जो है ना वो काम ना करे। क्योंकि देखिए, जब आपको उपाय बताए जा रहे हैं तो वो उपाय बहुत परखे हुए होते हैं, बहुत जाने समझे हुए होते हैं, इसीलिए उपाय जो हैं वो आपको मैं बताती हूँ दोस्तों। और आपकी भावना जो है वो अच्छी होनी चाहिए जिस वजह से आप उपाय कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग आने लगे, इनकम आने लगे, तो फिर आपका इरादा ही बदल जाए कि नहीं, मुझे पैसे वापस नहीं करने। इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। इससे भी मैंने कर्जा लिया है, उसका पूरा कर्जा जो है, उसका पूरा पैसा मैं वापस कर दूंगा, चाहे आप धीरे धीरे करके ही दें। इस तरह से आपकी प्रभु मदद भी करेंगे, आपको जो है बहुत सपोर्ट मिलेगा, आपको आपकी जो भावना को देखते हुए, आपकी श्रद्धा और विश्वास को देखते हुए ईश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। और आप जो पाठ करेंगे ये आपको रेगुलर रखना है दोस्तों। अगर आपके पास इतना समय नहीं है तो जब भी आपके पास सुबह या शाम के समय आपको दीपक जला के करना है। आप सरसों के तेल का या फिर तिल के तेल का आप दीपक जला करके
आप उस पाठ को शुरू करिए, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप थोड़ा बहुत 2-3 पेज भी रोज़ पढ़ेंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा दोस्तों आपके लिए। तो आप ये उपाय कीजिए और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपको बहुत राहत मिलती चली जाएगी और आपका पूरा जो पैसा है वो उतर जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएंगे आप बिल्कुल। तो आप जो है इस उपाय को करिए। आज का वीडियो यहीं तक। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।